पायल की झनकार बेरनिया एक्चुअल में जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसके ऊपर कुछ एक इनोवेटिव कुछ वीडियो हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस थे, बहुत गजब के एक्सप्रेशंस ऑलरेडी नोरा ने इस सॉन्ग के अंदर दिए हैं, कोरियोग्राफी रचित देव की कोरियोग्राफी ऑसम। तो हमने पहले से ही मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि इसके अंदर कुछ तो यूनिक करना है। देन उसके बाद लोकेशंस पे गए, फाइनल किया, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमने कोरियोग्राफी करी। हमने कोशिश करी जो हमारी लीड थी रिधिमा उसको उस टाइप के एक्सप्रेशंस देने की, वेरिएशंस देने की, काफ़ी टाइप के मैंने हमारी टीम को, हमारे ग्रुप को वीडियोस दिखाए कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, नोरा ने ऐसा किया है। काफ़ी इंस्पायर होके हमने इस ओरिजिनल वीडियो से हमारा वीडियो बनाया है। काफ़ी उससे इंस्पिरेशन लेके जो वीडियो है नोरा फतेही ने जैसे उस पर वर्क किया है, उसका ड्रेस स्टाइल, उसका मेकअप, उससे इंस्पिरेशन लेके हमने काफ़ी चीज़ें करी है। ज्वेलरी लोकेशन भी उस टाइप की ली है। ये स्टाइल थोड़ा क्लासिकल है तो इसमें फुटवर्क टर्न्स हमने, क्योंकि हमेशा हिप हॉप स्टाइल और उस टाइप का किया, बट फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं हम। ये सॉन्ग पर हमने ऑलमोस्ट 15 डेज तो लग गए हमें प्रैक्टिस करने के लिए। सो हम हमारा बेस्ट देंगे इस सॉन्ग के लिए, और हमारा आउटडोर लोकेशन है इसलिए हम बहुत खुश हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट, हाँ, हमारा फ्राइडे को शूट होने वाला है, हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो हमको थोड़ा नर्वस फील हो रहा था और अब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमको लग रहा था नर्वस फील, पर अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। मतलब ये ड्रेसअप के साथ वगैरह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है, पर नहीं हो जाएगा। और मेरा नाम मनस्वी, तो हम फर्स्ट टाइम आए तो हमको ये अलग सा ही एक्सपीरियंस हो गया। हम अभी ज्वाइन हुए हैं अचानक से, वो अलग ही एक्सपीरियंस। मैंने पहले ये सॉन्ग देखा नहीं था नोरा का, मैंने यहाँ आके पहले प्रैक्टिस की, देन मैंने, मुझे पता भी नहीं था कि ये सॉन्ग कौन सा है, देन मैंने देखा। सो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब ऐसे नॉर्मल डांस में मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन दी है अपन ने, मतलब पर इसमें बिल्कुल अलग है एक्सप्रेशन, एरोगेंस है, एंग्री थोड़ा एंड वो सब है, तो इसमें एक्सप्रेशन में ज़्यादा वर्क हुआ है। और मैंने कभी ये डांस इसमें हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी एंड सेमी क्लासिकल तीनों मिक्स है, सो मैंने कभी हिप हॉप एंड वो किया नहीं है। इससे पहले मैं सेमी क्लासिकल क्लासिकल डांस ही करती थी, सो मुझे ये एक नया एक्सपीरियंस मिला है। एंड आउटडोर में कभी शूट नहीं किया है, सो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है कि कैसा होता है। सो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और यहाँ सब सपोर्टिव भी बहुत है, मतलब हमें कुछ नहीं आता सो वो अपनी करेक्शन करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेकंड थिंग, इसमें कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगी, कि मतलब अगर रोज़ अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे और हार्डवर्क रखेंगे देन ही ये डांस आने वाला है, उससे अलावा नहीं आएगा। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ इस सॉन्ग को लेके। इससे पहले कभी शूट हुआ नहीं है, हुआ है तो सिर्फ क्लासरूम में हुआ है, कभी आउटडोर हुआ नहीं है, तो ये एक थ्रिल की तरह
करा है मेरे लिए, काफ़ी थ्रिलिंग है और जो ये हम डांस कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है हमारे स्टाइल से, हमारा यूजुअली ये स्टाइल नहीं है। और इसमें जो मुझे मेन वर्क करना पड़ा था वो था मेरे बैलेंस पे और मेरे एक्सप्रेशंस पे, क्योंकि इसमें कई जगह काफ़ी एक्सप्रेशंस बदलते हैं, कहीं रिवेंज के एक्सप्रेशंस हैं, कहीं एरोगेंट है, कहीं गुस्सा है। तो या ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए कि हमें गाने को सुन के उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा एक्सप्रेशन देना है, तो उस पर बहुत वर्क करनी पड़ी है। जिस दिन सने फर्स्ट डे नोरा का वो दिखाया था ना वीडियो, ये हुआ था भाई होगा बट मज़ा बताएगा, क्योंकि कभी करा नहीं हमने ऐसा कुछ भी, मतलब भाई भांगड़ा करा है, हिप हॉप पे थोड़ा बहुत आता है वो कर लिया ये पहली बार, मतलब आँखें, मतलब सर ने बार बार आके 10 बार कह दी आँखें यूँ करो यूँ करो यूँ करो यूँ करो, कभी कभी ये होता था सर आप भी आँखें कर लो, मतलब धीरे धीरे करके लोग जुड़ते रहे। जैसे फर्स्ट रिदिमा आई थी बाद में, उसको देख के लगा कि भाई एक्सप्रेशन ऐसे देने, वो जो उसका जो एक्सप्रेशन था ना दैट ईगो या समथिंग वाला, वो बहुत सही था एटीट्यूड एंड ऑल। देन कथा हमारी कथक डांसर, देन शी कैम, और उसको देख के पता चला कि बॉडी कंट्रोल कैसे करना है। उससे ऐसे धीरे धीरे करके एक दूसरे को देख के हमने बहुत ज़्यादा सीखा है, फिर धीरे धीरे किसी को रोक के तू ये गलत कर रही, रोक के तू ये गलत कर रही, फिर हमें तुम ये गलत कर रहे हो, फिर सर ने भी हमें एक्चुअली बीच बीच में डांटा है, डांटने जैसा नहीं था पर डांटा है फिर, बट ये फर्स्ट टाइम है एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग, एंड सर ने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, मजा आने वाला है। संगीत से है प्रेम फिर भी जान तेरे लिए हाजिर, आखिर में मैं ही तो बचा हुआ हूँ एक मुसाफिर, और तू है मंजिल मेरी परछाई हूँ मैं तेरी, मिलने में अब तेरी इत्तेहाद क्यों है लेरी, तेरी पायल तेरी आंखों में वो काजल, अब पे घलने लगे बादल, बिना ओढ़े कोई चादर, सब कुछ उसमें है निछावर, लिखा पर मिटा दिया वक्त ने, बहना भी अब छोड़ दिया यहाँ पे मेरे रक्त ने, दोनों है मुकाबिल फिर भी रकबत के काबिल, बनना चाहूँ तेरा साहिल फिर भी होता नहीं हासिल, तेरा प्रेम तेरा हूर तेरी आंखों का गुरूर, ये गलती तेरी नहीं है तेरी पाल का कसूर है। फर्स्ट टाइम था जब मैंने इस टाइप का कोई गाना कोरियोग्राफ किया जिसके अंदर इतने तरीके के एक्सप्रेशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस थे, हर एक सेकंड में एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो वो एक चैलेंजिंग था और बहुत मज़ा आया हमको इसको कोरियोग्राफ करने में, इसको प्रिपेयर करने में। और देन हमने रिसेंटली अभी इसका शूट कंप्लीट किया है, 2 दिन हमको इसकी शूटिंग के लिए निकालने पड़े, मॉर्निंग 5 o'clock हमारी गर्ल्स पार्लर गई रेडी होने के लिए, देन 7:30 अराउंड हम लोगों ने इसकी शूटिंग स्टार्ट करी थी, और रात की 10 बज गई थी हमको शूट ख़त्म करते करते फर्स्ट डे। देन सेकंड डे फिर हमने 4-5 hours का इसका शूट किया, तब जाके ये एक वीडियो हम का कंटेंट रेडी कर पाए हैं शूट के बाद।